19 अगस्त को जन्माष्टमी पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरी दुनिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। मेरे काफ़ी दर्शक हैं मेलबर्न में, और मेलबर्न में मेरी किसी दर्शक से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बहुत शानदार भव्य मंदिर है इस्कॉन का, जो 1975 में बना था, और इस साल जब जन्माष्टमी आएगी तो उस मंदिर को वहाँ बने हुए 48 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। इस बार क्योंकि वीकेंड पर हो रही है जन्माष्टमी, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पर 20 से 25,000 लोग पहुँचेंगे। लेकिन ये मंदिर काफ़ी अच्छे काम करता रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन है, जहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि आपका धर्म क्या है या आप किस देश से आए हैं। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको पेट भर पौष्टिक आहार मिलेगा, और ख़ासकर कोविड के दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी लोग जुटते रहे। लोग अलग अलग वजहों से परेशान थे, लेकिन यहाँ का कम्युनिटी किचन चलता रहा। मुझे भी बताया गया है कि जो विक्टोरियन गवर्नमेंट है उसने $5,00,000 का अनुदान भी दिया था 2014 में इसी इस्कॉन मंदिर को, और जो भी इंडियंस वहाँ पर विज़िट करते हैं वो इसकी तारीफ़ करते थकते नहीं हैं। कुछ साल पहले वहाँ पर जो प्रिंस लक्ष्यराज हैं, जो कि कृष्ण भक्त मीरा हुई हैं, उन्हीं की वंशावली से आते हैं, वो वहाँ की साज सज्जा और वहाँ का 5-स्टार किचन देखकर दंग रह गए थे। काफ़ी तारीफ़ की थी उन्होंने। इसके अलावा खुशबू सुंदर जो हैं, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं, वो भी 2017 में वहाँ पहुँची थी, और ख़ुद वहाँ खड़े होकर उन्होंने करीब 1.5 घंटे प्रसाद वितरण किया, किचन में जाकर भी वॉलंटियर किया। और अब तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि अब इंडियन वोट्स काफ़ी हो चुके हैं मेलबर्न में, तो जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस टेम्पल में पहुँचते हैं दर्शनों के लिए। और इस साल भी वहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है, और इस भव्य आयोजन में सना दुआ पहुँचने वाली हैं। सना दुआ मानुषी छिल्लर के सामने रनर अप रही थी, इन दिनों मेलबर्न में हैं। तो बहुत सारे दर्शक जो जुड़ रहे हैं मेलबर्न से, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पहले से मेरे वीडियोस देखने शुरू किए थे, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेलबर्न में एक बहुत बड़ी तादाद है इंडियंस की। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं उन सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जन्माष्टमी पर मेलबर्न में क्या होता है ये भी आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि मेरी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि जो भारतीय देश से बाहर हैं उनके साथ में जुड़ूं, उनके बारे में बात करूं। अक्सर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके बारे में बातें कम होती हैं, लेकिन मेरे मंच पर सभी का स्वागत है। और जैसा मैंने बताया कि इस्कॉन के की जो कोशिशें हैं मेलबर्न में, अब आप सोचिए 48 साल से सेवाएँ दे रहा है ये मंदिर वहाँ पर, और हमारे देश की संस्कृति की पहचान बना हुआ है, और न सिर्फ पहचान बना हुआ है बल्कि सिर ऊंचा कर रहा है हमारी संस्कृति का। तो कोशिश रहेगी कि ऐसी बातों को भी आपके सामने रखा जाए। बहुत सारे और भी मंदिर हैं विदेशों में जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां पर एक अलग तरह का परिचय मिलता है। हमारी कोशिश है कि हम उनके बारे में भी बात करें, और मैं आपको आने वाले समय में ऐसे ही और मंदिरों के बारे में भी बताने वाला हूँ। मेलबर्न से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा दर्शक वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के बारे में मैंने खबरें दिखानी शुरू की, और तब से बहुत सारे दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करूंगा कि 19 अगस्त को क्या होता है मेलबर्न के इस इस्कॉन टेम्पल में, वो भी मैं आपको बताऊँ। फिलहाल बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी मंदिर हैं देश से बाहर, कोशिश रहेगी कि उनके बारे में भी यहाँ मेरे मंच पर बात होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।